पति द्वारा मेहनत करके अच्छा खासा घर को बनाया गया कि मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे खुशी से रहेंगे। लेकिन यहाँ पर पत्नी अक्सर विदेश में जो रहता है उसकी पत्नियां गलत संबंध के चक्कर में परिवार को बर्बाद कर देती है। बाबू हमारे कहीं नहीं खन लो। ही दिन में पति घर पर आया, अपने पत्नी को पीटा, उसके बाद पत्नी के द्वारा उसके प्रेमी को घर पर बुलवाया और वहीं पर जान से मारकर बोरे में कसकर यहाँ पर घर में वो लड़का रात में आता था, ब्लैकमेल करता था पत्नी को। और यहाँ से सामने ही आप देख सकते हैं, सामने ही उसका भी नहीं हुआ था लेकिन किसी दूसरे के औरत के चक्कर में यहाँ पर अपने जान से परेशान पति विदेश से घर पर आया, पत्नी की प्रेमी को घर पर बुलाया, उसके बाद उसको जान से मारने के बाद बोरे में कसकर यहाँ लाकर डाल दिया, उसके बाद तेजाब डालकर बुरी तरह बॉडी को जला दिया। ये मामला गोपालपुर थाने का है और बॉडी को लाकर श्रीपुर थाने में फेंका गया है और गोपालगंज जिले का बताया जा रहा है। उसी हम लोग जगह पर है जहाँ पर बॉडी को फेंका गया था। पत्नी का अवैध संबंध था कि गांव के ही किसी युवक के साथ। एक दिन गया रात में, पत्नी उस दिन दरवाजा नहीं खोली, उसके बाद गुस्से में प्रेमी ने पति के व्हाट्सअप पर अश्लील फोटो भेज दिया। उसके बाद दो ही दिन में पति घर पर आया, अपने पत्नी को पीटा, उसके बाद पत्नी के द्वारा उसके प्रेमी को घर पर बुलवाया और वहीं पर जान से मारकर बोरे में कसकर यहां पर लाकर फेंक दिया। उसके बाद गोपालगंज एसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 24 घंटे में ही अवैध संबंध का मामला बताते हुए मामले को उजागर किया और हम लोग प्रेमी के घर पर भी चलेंगे और मामले को अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो जगह है श्रीपुर थाना पड़ता है और जो लड़का है प्रेमी है वो गोपालपुर थाने में पड़ता है और दोनों गोपालगंज जिले में ही पड़ता है। अब चलिए उस लड़के के घर में चलते हैं। 20 से 25 वर्षीय युवक के घर पर पहुंचे हुए हैं। ये माँ है और इधर भाई लोग खड़े हैं, पूरा परिवार है, ये घर है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर माँ जी रउआ लड़का के साथ ही सन भाई का कहे चाहता नहीं लड़का का जो होता नहीं का कहता नहीं लड़का जो होता नहीं हमारे बाबू का हो गए बाबू हमारे बथुआ से आई करत लन गए सिए अले खाना देनी खोले खा के सुते गए छत पर अभियान जता नहीं जगावे तो हमारे बाबू वही पर नहीं खन तब तो कहता नहीं हुई नहीं से बाबू हमार नहीं खन कहाँ बड़े जो बतानी फोन लगेब तो फोन लगले लगावे तो फोन ना लागल तो ये भाई साहब है इनसे छोटे थे वो। और इसमें जो बताया जा रहा है अवैध संबंध का वो क्या मामला है? वो तो पुलिस कार्रवाई अपना कर रही है, पुलिस अपना कार्रवाई करेगी, जो पकड़ा जाएगा वो गिरफ्तार होगा। और जो ये मामला पुलिस बता रही है ये सब सही है, किसी औरत के चक्कर में सब जाने गई? हाँ तो हमने के माने कुछ मालूम नहीं है, माने कुछ हमने के जानकारी नहीं है कैसे कहाँ भइल बैठे। अब जैसे पुलिस मोबाइल जब्त कैले बैठे, नंबर उनका चार गो नंबर चलावत रहल, चारों नंबर हमने के देले बन छन पुलिस के। अब पुलिस का क्या डिटेल निकाला था कहते का भइल बैठे, अब पुलिस जानकारी लेके आ ओकर कार्रवाई करते है। बस हमने के पुलिस पर भरोसा बाजे, हमने के मतलब मिली हमने के इंसाफ। कितने भाई बहन है यार? हमने के पांच भाई हैं सन, चार गो बहन, सब जने के शादी हो गेल, एगो उनके बाकी रहला, हम शादी उनका ना भइल रहल। माने इस घर में छोटा भाई ऐसा निकल गया, मान लीजिए गलत ही ना किया है तभी ना जान गंवाना पड़ा। अब तो गलत कैले बड़े कि सही कैले बड़े तो ही नहीं से बता सके। पुलिस से कहती है? हां का काम करता बा? से सिलाई के काम करता रहला। पढ़ाई उड़ाई? पढ़ाई पांच छह ले पढ़ रहला है, ज्यादा ना पढ़ रहला। पर सबसे छोटा था, उसका शादी नहीं हुआ था, जिसमें चार भाइयों का शादी हो गया था, गलत रास्ता पकड़ लिया था, उसके चलते यहाँ पर एक भाई को जान गंवाना पड़ा। और यहाँ पर जिसमें पता चला कि किसी जो औरत थी उसका पति विदेश रहता था, उसके दो बच्चे भी थे और उसी के चक्कर में इनका छोटा भाई पड़ गया, रात दिन मिलने जाता था और उसके बाद जो फोटो खींचा हुआ था उस फोटो को दिखा दिखा ब्लैकमेल करने लगा, बुलाने लगा, जाने लगा, अवैध संबंध बनाने लगा। और उसके बाद एक दिन गया तो उस दिन वो दरवाजा नहीं खोली और उसके बाद उसके पति के पास वो फोटो आपका भाई भेज दिया, उसके बाद पति घर पर आया और इसको उसी दिन अपने पत्नी को मारने के बाद इसे भी वहां पर बुलाया और उसके बाद वहीं पर पत्नी, पति, सास, ससुर और देवर मिलकर उसे जान से मार दिए, उसके बाद बोरे में कसकर ले जाकर वहां श्रीपुर थाना क्षेत्र में वहां पर फेंक कर तेजाब उस पर गिरा दिए। उसके बाद बॉडी पूरी तरह जल चुकी थी। उसके बाद चार दिन बाद जब महक इधर उधर फैलने लगा तब लोगों को पता चला, तब पुलिस प्रशासन उसके पीछे पड़ी। यही वो विदेशी पति का घर है हमारे पीछे आप देख सकते हैं। इसी घर में वो लड़का रात में आता था, ब्लैकमेल करता था पत्नी को और यहाँ से सामने ही आप देख सकते हैं, सामने ही उसका भी घर है।
और उसी घर से यहाँ पर आया हुआ था और ब्लैकमेल कर रहा था, दरवाजा खटखटाया, जब नहीं खुली तो वो फोटो पति के पास भेज दिया। अक्सर पति विदेश में तो चले जाते हैं, अपने पत्नी बच्चों के जीविका चलाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए मेहनत करता है पति, अच्छा खासा घर बसाता है, और यहाँ पर पति द्वारा मेहनत करके अच्छा खासा घर को बनाया गया कि मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे खुशी से रहेंगे। लेकिन यहाँ पर पत्नी अक्सर विदेश में जो रहता है उसकी पत्नियां गलत संबंध के चक्कर में परिवार को बर्बाद कर देती है, और यहाँ पर गलत संबंध बनाने के चक्कर में ही एक देख सकते हैं घर सुनसान पड़ चुका है। इस घर में जो गार्जियन था, ससुर था, पत्नी भी जेल में चली गई है, एक देवर था वो भी जेल में चली गई है, लेकिन यहाँ पर पति को देख सकते हैं, पति ने चलाकी से काम लिया, आया यहाँ पर इसको मौत के घाट उतारा, और उसके बाद उसी रात ही दिल्ली या बॉम्बे जहां भी जाना होगा वहां चला गया, और उस वहां से अपना फ्लाइट करके दुबई में चला गया। इस समय दुबई में है और घर में जो जो भी था गिरफ्तार हो गया है, और इस समय वही बस बाकी है। अब चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, कोई अगर है तो उससे बात करने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं अच्छा खासा पति के द्वारा घर बनाया गया है, लेकिन अवैध संबंध बनाने के चक्कर में पत्नी इस घर को बर्बाद कर चुकी है, और यहाँ पर इस घर में इस समय ताला लगा हुआ है। इस घर में कोई भी नहीं है, जो भी था सबको पुलिस उठाकर लेकर चली गई है, घर सूना पड़ गया है। अब पति विदेश में है और उसको भी पुलिस किसी भी तरह आने वाले समय में पकड़ ही लेगी।